तो मैं अभी बीच जा रहा था, तो मैंने बीच में सोचा कि स्कूटी पे रेंट करा ही लूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आज है डे टू एट पॉन्डिचेरी, डेट है 26 अक्टूबर, टाइम हो रहा है कुछ 7:10 और मैं जा रहा हूँ पोमेनाड बीच। तो थोड़ी देर बीच घूमेंगे, कल भी हम गए थे पर रात हो गई थी, तो थोड़ी देर बीच घूमेंगे, वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे। और कल मैंने स्कूटी का भी पता किया था, तो शायद से आज मैं स्कूटी भी रेंट करूँगा, थोड़ा लोकल घूमेंगे और शायद तक ऑरोविल भी जाएंगे। तो देखते हैं, अभी बीच चलते हैं और आगे जो प्लान होगा मैं आपको अपडेट कर दूँ। तो मैं अभी बीच जा रहा था, तो मैंने बीच में सोचा कि स्कूटी भी रेंट करा ही लूँ, तो मैंने स्कूटी रेंट करा ली है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप स्कूटी रेंट कराएं तो उसकी एक वीडियो बना लें, जो भी डैमेजेस हैं उस पर ऑलरेडी, ताकि आपको बाद में सफ़र लॉस ना करना पड़े। तो इन्होंने मेरे को एक ग्रीन फसिनो दी है जिसका रेट है 450, वैसे 300 पर डे है, पर मैं कल 3 to 4 PM तक रिटर्न करूँगा, तो 450 चार्ज किए इन्होंने। और थोड़ा सा पेट्रोल देते हैं ताकि आप पेट्रोल पंप तक जा सकूँ। तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रिटर्न करना है पेट्रोल फुल करा के, जितना भी आपका पेट्रोल बचेगा बचेगा, वो रिटर्नेबल भी नहीं है, तो आपको आप जितना आपको चाहिए आप उतना भरवाओ। और बस अभी मैं वीडियो बनाऊँगा स्कूटी की और उसके बाद चलते हैं बीच, चलते हैं घूमेंगे अब सारा ही, तो आपको अपडेट करता रहूँगा मैं बीच में। नंबर मैं इनका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप भी करा सकते हो इनसे। ये है मेरी आज की सवारी और एक वीडियो बना लेता हूँ मैं, तो पता चल गया। सारे डैमेजेस की वीडियो बना लेनी चाहिए आपको। कोई भी स्क्रैचेस हो सबको कवर कर लेना, और एक बार डिक्की भी खोल के चेक करूँगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो मैंने वीडियो बना ली और गाड़ी भी ठीक लग रही है। तो हेलमेट की कह रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लोग पहन नहीं रहे यहाँ पे, तो चलते हैं। बस अभी पेट्रोल भरवाऊँगा और उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ। स्कूटी रेंट करा के मैं आ गया हूँ अभी पोमेनाड बीच, तो स्कूटी में पेट्रोल डलवा लिया मैंने 200 का कुछ। यहाँ पे अभी रेट अगर मैंने बताया नहीं है तो 105 रुपये चल रहा है अभी, और हवा हुआ भरवा लेना अच्छे से। और अब थोड़ी देर यहाँ बीच पे बैठूँगा, थोड़े बहुत शॉट्स लूँगा और उसके बाद हम जाएँगे ब्रेकफास्ट करने, फिर देखते हैं कुछ अपडेट करता हूँ। सो अभी टाइम हो रहा है कुछ 9:00 और मैं आ चुका हूँ पांडिचेरी म्यूज़ियम। देखते हैं अंदर, फोटोग्राफी अगर अलाउड हुई, वीडियोग्राफी अलाउड हुई तो कैप्चर करूँगा, नहीं तो रिव्यू दे दूँगा। तो चलते हैं जल्दी से अंदर और देखते हैं कैसा है म्यूज़ियम।
तो मैंने अभी घूमा पौंडीचेरी म्यूजियम, जिसकी एंट्री टिकट ही 10 रुपीज़। मंडे और नेशनल हॉलीडेज पे बंद होता है तो बताना। और म्यूजियम ठीक था, इतना खास नहीं था, और वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड थी नहीं बिल्कुल भी। फिर अच्छा था म्यूजियम, पेंटिंग्स गैलरी जो थी वो सबसे बढ़िया थी। तो अगर आपके पास टाइम है और आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानना चाहते हो तो ज़रूर आ सकते हो। इतनी डिटेलिंग नहीं थी पर ठीक है मतलब। और आर्किमेडू एक इंडियन रोमन पोर्ट था, तो वहाँ से जो भी फाइंडिंग्स है वो इधर रखी है, तो अगर आपको देखनी है तो आप बिल्कुल आ सकते हो। अब देखते हैं कहाँ जाना है, अपडेट कब होगा। मैं आ चुका हूँ रॉक बीच, जो म्यूज़ियम के पास में ही था। तो कुछ है नहीं मतलब, इतना कुछ खास नहीं है। वो पोमेनाड बीच को थोड़ा सा एक्सटेंड करा है, तो फिर इधर रॉक बीच है लाइन में ही। रॉक्स हैं बस इधर, और कुछ नहीं है। तो आसपास वॉर मेमोरियल है और भी चीज़ें हैं, तो उसको भी विज़िट करेंगे। अभी थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा और फिर चलते हैं कहीं और। तो ये था रॉक बीच। मुझे ये थोड़ा ज़्यादा शांत लगा वहाँ से। तो पोमेनाड बीच से थोड़ा सा आप शायद ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड आओगे तो रॉक बीच पे आप आके आराम से बैठ सकते हो थोड़ी देर। तो ये थोड़ा शांत है, यहाँ पे थोड़े कम लोग हैं। तो मेरे पीछे जो येलो बिल्डिंग है वो है फ्रेंच कॉन्सुलेट। तो आप मतलब देख सकते हो बाहर का एक्सटीरियर और आर्किटेक्चर है जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस है इसका। तो बस ये कुछ खास नहीं है, रॉक बीच के पास नहीं है, अंदर फोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं है बिल्डिंग के आसपास, तो मत लेना। बस थोड़ा सा घूम लेना, देख लेना, और अब चलते हैं कहीं और। वॉर मेमोरियल जाऊँगा शायद, पास में ही है, तो वहाँ चल के मिलता हूँ आपको। तो मैं अभी फ्रेंच वॉर मेमोरियल के पास में, और ये रॉक बीच के राइट साइड पे है, एक गांधी जी का स्टैचू बना हुआ है उसके पास में ही है। तो आगे गेट्स पे तो क्लोज मतलब ताला लगा हुआ है, तो मेरे को लगता नहीं अंदर जाने देते हैं। और मैंने कुछ फ़ोटोज़ में देखा है कि रात को यहाँ पर लाइटिंग भी होती है, तो आप आ सकते हो यहाँ से, पास में ही है रॉक बीच के, तो ज़रूर विज़िट करना और देखना। ये एक्चुअली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें जो फ्रेंच सोल्जर्स की डेथ हुई थी उनकी याद में बना हुआ है, तो आप विज़िट कर सकते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 10:54, और मैं रॉक बीच से निकल कर जा रहा हूँ ओरोविन।